बिग बॉस ओटीटी 3 के फिनाले के एकदम करीब आकर शिवानी कुमारी एविक्ट हो चुकी हैं। बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बिग बॉस हाउस के अपने खट्टे मीठे अनुभव साझा किए। शिवानी को घर के बाहर उनकी भाषा के लिए काफी ट्रोल किया गया, वहीं घर के लोगों को भी वो बहुत एंटरटेनिंग लगती थी। रणवीर शैली से लेकर अरमान मलिक तक उनको काफी कुछ बोलते रहे। अब शिवानी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि घर के अंदर उनके साथ भेदभाव किया गया, उन्हें लग रहा था कि वो 5-स्टार जेल में रहने लगी हैं। शिवानी कुमारी घर के अंदर कई बार रो चुकी हैं। अब घर के बाहर आने के बाद अंदर की बातें याद करके वो काफी इमोशनल हो जाया करती हैं। बातचीत में शिवानी ने अपने एविक्शन पर बात की। वो बोली कि वहां रहकर ऐसा लग रहा था कि मैं 5-स्टार जेल में हूं और अब मैं असली दुनिया में वापस आ चुकी हूँ। मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरा सपना था कि मैं फिनाले तक पहुंचूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। घर के लोगों का व्यवहार उनके प्रति कैसा था, इस पर शिवानी बोली, मेरे ग्रुप के लोग सना मकबूल, लवकेश, विशाल मजाक किया करते थे, लेकिन मुझसे कमियां भी निकाला करते थे। मैं जैसी थी वैसी ही हूँ। शुरुआत में मैं लाउड थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी सीरियस बात क्या है जो रणवीर शैली मुझे पसंद ही नहीं करते थे। मैंने उनसे कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन वो ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। शिवानी ने बताया कि रणवीर शैली और अरमान मलिक खास तौर पर उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। उन्होंने कहा, रणवीर और अरमान साथ रहते थे, जब भी मैं बोलती वे फालतू कमेंट्स करते थे और देख कहते थे कि ये फुटेज के लिए कर रही है, वो ये सब कैमरे के लिए कर रही है, वगैरह वगैरह, लेकिन मजाक करना मेरा स्वभाव है। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्या सोचा, क्यों बना लिया, लेकिन वो लोग जो भी सोचते थे उन्हें लगता था सही है। जब वो लोग बात करते तो अरमान मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते थे। शिवानी से पूछा गया कि क्या सना मकबूल ने उनकी दोस्ती का फायदा उठाया है, इस पर वो बोली, बिल्कुल भी नहीं, सना ने तो मेरी काफ़ी मदद की। शुरुआत में लोग मुझे गवार बुलाया करते थे, मैं घर में किसी से बात नहीं कर पाती थी, वही मुझसे बात करती थी और बोलती थी कि मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। आखिर में उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है, वो अभी भी मेरी बहन ही रहेंगी। भेदभाव पर शिवानी ने जवाब दिया, हाँ मैंने घर में भेदभाव बहुत महसूस किया, खासकर मेरी भाषा को लेकर मेरे साथ गलत किया गया। मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ तो मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, सारे लोग अंग्रेजी बोलते थे, अच्छे बैकग्राउंड से हैं तो वो लोग भेदभाव करते थे, जैसे मैं बोलती हूँ उन्हें ऐसा अक्सर दिक्कत होती है। मुझे अपनी पढ़ाई को लेकर नीचा महसूस होता था, बेइज्जती लगती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जैसे बैकग्राउंड के किसी लड़की के साथ भेदभाव हो। मेरा सपना था कि बिग बॉस 3 जीतूं और सभी लड़कियों को प्रेरणा दूं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।